ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए बुधवार का दिन दो दो खुशखबरी लेकर आया, जहां एक तरफ 16 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म करते हुए सरकार ने रीट परीक्षा की तिथि घोषित कर दी, तो वहीं राजस्थान सरकार ने रीट 2016 लेवल 2 अंग्रेजी विषय की 826 पदों पर वेटिंग लिस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर SLP वापस लेने का फैसला लिया है। इस निर्णय से लंबित नियुक्ति का इंतजार कर रहे 826 शिक्षकों के लिए बड़ी राहत मिलेगी। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार शाम इसकी जानकारी ट्वीट करके दी। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि राजस्थान सरकार ने रीट भर्ती 2016 में अंग्रेजी विषय की प्रतीक्षा सूची जारी करने के हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में दायर SLP को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सकेगी। सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई। आपको बता दें, राजस्थान में रीट 2016 के तहत कुल 4761 पदों पर भर्ती हुई थी। इसका प्रोविजनल रिजल्ट 25 जनवरी 2018 को जारी किया गया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद प्रोविजनल सूची को अंतिम रूप देने के लिए रिजल्ट रिश्वल किया गया था, जिसके बाद उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि रिश्वल परिणाम में नियुक्ति प्रकोष्ठ ने रिक्त पदों पर नए अभ्यर्थियों का चुनाव करते समय रिश्वल परिणाम जारी कर दिया गया। लेकिन नॉन ज्वाइनर्स श्रेणी के करीब 450 रिक्त पदों पर न तो रिजल्ट रिश्वल किया गया, न ही वेटिंग सूची जारी की गई, बल्कि पूर्व में नॉन ज्वाइनर्स रहे अभ्यर्थियों के रोल नंबर और मेरिट नंबर रिपीट कर दिए गए। इसकी वजह से 450 पूर्व के नॉन ज्वाइनर्स और रिश्वल रिजल्ट के बाद 376 नॉन ज्वाइनर्स के पद रिक्त रह गए, यानी कुल 826 पद रिक्त रह गए। मामला हाईकोर्ट में गया। अदालत ने इन पदों को भरने का आदेश दिया तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर दी थी। इसके साथ ही सरकार ने राजस्थान में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 परीक्षा की नई तिथि घोषित कर दी है, जिसके तहत रीट 2021 परीक्षा 26 सितंबर 2021 को होगी। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी रीट 2021 के लिए आवेदन 21 जून से 5 जुलाई तक कर सकेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही इसकी संशोधित नोटिफिकेशन जारी करेगा। बुधवार शाम को राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। आपको बता दें, इससे पहले राजस्थान बोर्ड ने 22 जून को रीट परीक्षा स्थगित करने की आधिकारिक घोषणा की थी। बोर्ड ने कहा था कि रीट 2021 परीक्षा कोरोना महामारी के कारण स्थगित की जाती है। राजस्थान बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया था कि रीट 2021 परीक्षा पहले 25 अप्रैल 2021 को होने वाली थी, लेकिन EWS वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका देने के लिए इसे स्थगित करके 20 जून कर दिया गया था, लेकिन फिर 20 जून को भी कोरोना महामारी के कारण स्थगित करना पड़ा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।